उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दो पक्षों का बीच बचाव करना यूपी पुलिस को ही महंगा पड़ गया। जी हां, कन्नौज के झिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को दो पक्षों में हुई मारपीट की सूचना मिली थी और सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और चौकी इंचार्ज दूसरे पक्ष के घर के अंदर बातचीत करने चले गए, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर दूसरे पक्ष से साठ घाट करने का आरोप लगाते हुए उस मकान के बाहर मेन गेट को बंद कर ताला लगा दिया। इससे मकान के अंदर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हड़कंप मच गया और पहले तो मकान की दूसरी मंजिल पर आकर दारोगा गेट खुलवाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तब दारोगा ने कोतवाली में सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली से भारी फोर्स आई और उन्होंने फिर मकान का ताला तोड़कर बंदी पुलिस कर्मियों को बाहर निकाला। अंदर गए, राजपाल को लेकर के साथ में गए, इसी दौरान पीछे से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। ताला लगने के बाद चौकी इंचार्ज द्वारा कई बार बाहर उनको समझाया गया कि आप लोग ताला खोल दें, लेकिन उन्होंने ताला ना खोल के बाहर से गाली गलौज करना जारी रखा। और उसके बाद में चौकी इंचार्ज द्वारा अपने थाने को फोन किया गया, जहां से अपने इंस्पेक्टर प्रभारी मैं फोर्स के जाकर के गांव में पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने जाकर के उनको वहां से मुक्त करा। देखने वाली बात यह है कि अगर देश में पुलिस वालों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटेंगी तो बाकी समाज खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। न्यूज़ डेस्क।